रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में जहां एक और अवैध खनन खुलेआम रात दिन चल रहा है, तो वहीं इस अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं, तो वहीं माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर में तैनात महिला वन दरोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में स्थित नदी से अवैध खनन को लेकर अधिकारियों को निर्देश पर खाई खोदने का काम किया गया था। उन्होंने बताया कि इस बीच छोई क्षेत्र के 3 खनन माफियाओं द्वारा उन्हें फोन पर खोदी गई खाई को पाटने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला वंदरोगा का आरोप है कि पूर्व में भी खनन माफियाओं द्वारा उनके द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उनका ट्रांसफर तक कराने की भी धमकी दी गई थी। खनन माफियाओं की धमकी के बाद महिला वंदरोगा काफी डरी हुई है। मेरा नाम सोनी शर्मा है। मैं तराई पश्चिमी के जो हमारी रामनगर रेंज है इसके नाथूपुर क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं उत्तरी लोअर कोसी सेक्शन में मैं वंदरोगा के पद पर हूँ। सर ये मुझे काफी टाइम पहले से मुझे धमकियां दे रहे थे। जब मैं इसमें मैंने सितंबर में मैंने यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया था तब भी मुझे ट्रांसफर करवाने की मुझे धमकी दी गई इनके द्वारा फोन पे। अब मैंने परसों खाई खोदी थी, सीएफ साहब आए थे, सीएफ साहब के निरीक्षण करवा करके मैंने खनन माफियाओं के खनन रोकने के लिए मैंने खाई खोदी। तो खाई के दौरान इन्होंने जब मैंने खाई खोदी तो शाम को मैं अपने मरीज को देखने के लिए गई थी। मेरा फॉरेस्ट गार्ड हॉस्पिटल में एडमिट था काशीपुर में। मैं वापस में 8:30 बजे करीब आ रही थी तो इनके द्वारा पिक करके मुझे फोन आया जो ये ड्रिंक किए हुए थे पूरी तरीके से और मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम ये खाई तुमने गलत जगह पे खोदी है हम और इसमें कोई गिर गया है इसके तुम जिम्मेदार होगे और हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं और अगर आपने ऐसा खाई नहीं बंद की तो आपको इसका भुगतान बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से फोन कर रहे थे तो मैंने अपने अधिकारियों को भी बताया। फिर मैंने जाकर के कल सुबह इसकी एफ आई आर दर्ज कराई। कल सुबह एफ आई आर दर्ज कराने के बाद दोपहर में फिर इनका मेरे पास कॉल आया एक भाई का, प्रधान जी के जो दूसरे भाई हैं और उनके साथ कोई जोशी हैं अपने आप को गांव का कोई बता रहे थे मुख्य हितैषी, तो मुझसे कह रहे थे यहाँ से लेकर के सब चोर हैं आपके और आप जो है आपने गलत कर रखा है मैडम, अगर आपको खाई पाटनी पड़ेगी नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सर मुझे यहाँ से खनन माफियाओं ने ये धमकी दी है कि आप अगर ये नहीं रोकेंगे तो वाहन चलते रहते हो और ऐसे वाहनों में कई लोग आपके जो है पहले भी एक्सपायर हो रखे हैं वाहन से दब करके और आपके साथ ही वही घटना घटित हो सकती है, इसमें आपको जिम्मेदार होंगे। वही मामले में कोतवाली के SSI अनीश अहमद ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की महिला वन दरोगा है सोनी शर्मा, इन्होंने कल थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है कि कल परसों इन्होंने कुछ खाई खोदी थी, रास्ते बंद किए थे तो कुछ खनन तस्करों ने इनके मोबाइल फोन पर फोन करके इन्हें धमकी दी है जान से मारने की और अभद्र भाषा में इनसे बात की है। तो इनकी शिकायत पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, धारा 186, 504, 506 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना जारी है। 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है। हेलो।